अलैकुम तमाम नाज़रीन, तमाम अकीदतमंद और तमाम मुरीदीन के लिए आज हम हाजिर हैं हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग। आप हमारे नाना भी हैं और हमारे दादा भी, दोनों तरफ से हमारा नसब है आपसे मिलता है। और तकरीबन आज से 150 से 250 साल पहले का आपका वक्त है और आप बड़े बाकमाल बुज़ुर्ग रहे हैं, बड़े कमालात आपके ज़ाहिर हुए हैं और आप नजीबुत्तरफ़ैन सैदाद हैं आप भी। और बहुत ही सादा सिफत आप बचपन से रहे। आज आपने बहुत से मुशाहदात सुने होंगे, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये देखिए आप, ये हैं सॉर्टे शब्द। ये देखने में आपको सिर्फ एक पत्थर नजर आएंगे, ये हकीकत में ये जिन्नात हैं। और ये किसी जमाने में किसी एक कहना चाहिए दूसरे अकीदे के लोगों के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां के उनके इबादत गाहों में हुआ करते थे। नाना मियां की सोहबत में आने के बाद ईमान कबूल किया और आपके कदमों में खिदमत के लिए आ गए। जब लोगों को ये बात पता लगती थी तो उठा के ले जाते थे कि हमारे अकीदे हमारे वहां का ले ले, बहुत बहुत दूर दूर ले गए। और रात गुजरती थी, ये सुबह नाना मियां के कदम मुबारक में होते थे, इनकी खसूसियत रही। बरसों गुजर गई, आज भी आपके पास रहे हैं। यह आपके बेशुमार कमालात हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आपको मारने के लिए ठग भेजे गए थे उस जमाने। ठग आपके पलंग के नीचे घुस गए, आपकी वालदा मोहतरमा आपको लेके लेटी हुई थी तो अंधेरा होता था, पहले रोशनी नहीं होती थी, ऐसे सिर्फ वो लैंप और लालटेन वगैरह होती थी। तो आप समझिए कि लगता है नीचे भेड़िया या कुत्ता वगैरह आ गया। वो लोग आप गड़बड़ाहट में आम के हाथ पैर टच हो गए पैर पलंग से तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। सब घर वाले उठे, उन्होंने रोए, माफियां मांगी कि हम इसलिए लाया गया है। तो सब बुजुर्गों ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो आपकी इगड़ी मुबारक उनके आंखों पे लगाई गई थी, उनकी आंखों की रोशनी वापस आई थी। सबसे पहली करामत आपकी जाहिर हुई थी पैदाइश के बाद। उसके बाद बेशुमार करामातें और माशाल्लाह से आपकी की नजर इनायत है इस पूरे सैदाद खानदान पे, जो नगला मीर और नगला सैदा के दोनों खानदानों की जो नस्लें यहाँ से चली उन सब पे बड़ी खसूसी आपकी नजर इनायत रही है। यही नहीं, अपनी नस्लों के अलावा आपने जिस जिसको चुना है, जिस जिसको आपने जिम्मेदारी दी है, उन पे भी आपकी बड़ी नजर इनायत रही है हमेशा हर मामलात में आपकी। तो माशाल्लाह से आज इस आफसार को, अपने इस बच्चे को आज नाना मियां ने बुलाया, हम हाजिर हुए। आप सब देख सकते हैं तमाम काम जारी है और ये जो लोग आना चाहें वो आ सकते हैं। मैं इसकी तफसील डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स आने के लिए यहाँ मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि जिससे कि अगर कोई हाजिरी के लिए। अच्छा, मैं एक और खसूसी बात आज आपको बताना चाहता हूँ। नाना मियां के यहाँ आने वालों में आपकी यहाँ मन्नत उठाते हैं लोग, तो आपके मन्नत ये बरसों से चली आ रही है, ईंट उठाई जाती है। जिस तरह से आप ये समझें कि ये ईंट है, ये ईंट है, ईंट के हिसाब से ये ईंट उठाई जाती है जिसकी जो मन्नत हो। बिलखसूस खानदान में ऐसी औलाद है, ऐसे माँ कहना चाहिए जिनकी शादीशुदा खवातीन है या जो है जिनके औलादों के मसले थे, औलाद नहीं हुई, जिसने ये आपसे मन्नत उठाई है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी गोद भरी है। शादी के मामलात हों, औलाद के मामलात हों, मन्नत उठाई है और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी गोद हरी हुई है कि सबके मामलात बेहतर हुए। ये आपका मामला रहा है, ये आपके यहाँ ईंट उठाई जाती है और फिर जिसकी मन्नत वो पूरी होती है पर उस हिसाब से या उस हिसाब से अकीदतमंद आके उतनी न्याज और शीरनी लाके उस मामला को पूरा करता, आपके दरबार में हाजिरी देता। यह आपका बड़ा खसूसी कमाल है, बिलखसूस औलाद के मामलात, शादी ब्याह के मामलात में। उसके अलावा बहुत से जायरीन जो अकीदत रखते हैं वो आते हैं। दुनिया ये समझती है कि औलिया अल्लाह दुनिया से चले गए, यानी कि अब कुछ मामला नहीं है। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, वली जिसको कहते हैं, वली के मायने है अल्लाह का दोस्त, और वली जब राह हक में होता है तो वो दुनिया से सिर्फ एक कानून है कि वो जिस्म ये छोड़ते हैं मिट्टी का, लेकिन रूहानी जिस्म उनका कायम होता है, वो अपने मुकाम पर मौजूद होते हैं और वो फैज हर अकीदतमंद को मिलता है जो उस अकीदे और अदब से आता है।
जो इंसान अकीदा और अदब नहीं रखे वो कभी किसी वली के दरबार से फैज नहीं ले सकता। ये बिलखुसूस बात है जब अदब और खुलूस से इंसान आता है, कोई भी हो, तो उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ये खुसूसियत है आपकी। तो ये ईंट के मामलात हैं, और अभी हम आपको आसपास बाहर का भी दिखाएंगे, यहाँ काम भी जारी है। अल्लाह ताला मजीद बरकतें अता फरमाए, तामीरात को मुकम्मल करवाए, हासिदीन को जेर फरमाए कि जो मुखालफत ना करने वाले हों, और तमाम काम हो कि लोग आए और ये पहचानी जा सके, इसके ऊपर गुंबद वगैरह की भी तामीर हो सके। फिर आपको बाहर का भी बताएंगे। स्टॉप कर लो। हाँ जूते हैं। देख सकते हैं आप लोग इस तरह से, ये नाना मियाँ का आस्ताना है, इसका काम चल रहा है। और ये तमाम जो जगह है इसके जो उल्टे हाथ पे ये पूरा है, मीर का नगला है, सैदा का नगला है पूरा इधर। इंशाल्लाह अभी वक्त नहीं है, वरना दोबारा जब हम आएंगे तो अंदर जाके वहाँ जो दोनों मुकामात हैं, मस्जिद का हिस्सा और वो जो वहाँ भी एक छोटा सा तावीज़ बना दिया गया, लेकिन हकीकत उसकी कुछ और है, वो मैं आपको इंशाल्लाह राज बताऊंगा कि वहाँ किसका ठिकाना है वो। तो वो भी आप लोगों को ज़्यारत कराई जाएगी इंशाल्लाह। और ये तमाम पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी हद है इसकी, यहाँ से वहाँ तक तमाम मामलात हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए और जो आए उसकी झोलियों को भरे। ये आपके तमाम बड़े ही आगमाल मामलात हैं। ये हमारे आले नबी साहब हैं, आप खिदमत करते हैं सिलसिले की, और नाना मियाँ ने आपको चुना है इस काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका भी ख़ानदानी ताल्लुक़ है हमारी नस्लों के साथ में, ऐसा नहीं है, इसलिए आपको चुना गया, इस काम में लाया गया, बिलखुसूस आपको हिदायत दी गई। तो माशाल्लाह से आप खिदमत कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं सब मामलात के लिए। अल्लाह ताला ने कुव्वत अता फरमाए सब के लिए। तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, तमाम ये पूरा ये जितनी चीज़ें हैं ये देखें आप। ये किसी ज़माने में दोनों तरफ हमारे ख़ानदानों का मामला था, ये नगला मीर का और नगला सैदा का, दोनों तरफ, क्योंकि हमारी नानी और दादा दोनों कज़िन थे आपस में, इसलिए ये रिश्ता है यहाँ से, एक तरफ मीर का नगला, एक तरफ सैदा का नगले का। ये तमाम मामलात हैं। देखिए आप, ये तमाम काम चल रहा है, और ये है पुराने मामलात हैं। ये इतनी सब तामीर हो गई है, पहले सिर्फ मज़ारे मुबारक बहुत छोटा सा था, और ये सब माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हैं ये आले नबी साहब, काफ़ी काम हो रहा है। ये बाउंड्री करा दी गई है बाहर से इंशाल्लाह। यह है पूरा आपका आस्ताना है। देख सकते हैं जब ये तारीमियाँ थे और लोग थे।